तो हमारा ह्यूमन एरर का पीईटी उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन का डेफिनेशन हमें आना चाहिए कि पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द कैपेबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू प्लेस द इमेज एग्जैक्टली ऑन रेटिना इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट बाय चेंजिंग इट्स कर्वेचर और चेंजिंग इट्स शेप और चेंजिंग इट्स पावर और चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। अपना फोकल लेंथ, अपना पावर, अपना कर्वेचर चेंज करके जो आई लेंस है वो इंश्योर करता है कि इमेज एग्जैक्टली रेटिना पर ही बने इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ आवर आई by changing its curvature ensures that the image will be formed exactly at retina. Which color is deviated the most when white light is passed through a prism? White light pass karegi prism mein se to sabse zyada bending hogi violet ki kyunki uski wavelength sabse kam hai. Urvi and Pooja are the best friends and study in grade 6 and recently Urvi has been facing difficulty in reading the blackboard text from the class bench. Name the defeat of I Urvi is suffering from. What are the two possible deformities related to her eye defect? So, blackboard nahi dekh pa rahi hai class mein baith ke, matlab problem is myopia. So, name the defect of I Urvi is suffering from is myopia. यहाँ पे हम लिखेंगे मायोपिया। और व्हाट आर द टू पॉसिबल डिफॉर्मिटीज रिलेटेड टू हर आई डिफेक्ट, क्यों हो गया मायोपिया? दो पॉसिबल डिफॉर्मिटीज क्या हो सकती है? नंबर वन, द फोकल लेंथ इज शॉर्टेंड, शॉर्टेंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ छोटी हो गई है। नंबर टू, द रेटिना दूर चला गया है, उसको हम बोलते हैं इलोंगेशन ऑफ या प्रोलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो इन दोनों में से कोई भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इमेज रेटिना से पहले बनने लगती है। अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट नियर पॉइंट डिस्टिंक्टली। क्या प्रॉब्लम हो गया? हाइपरमेट्रोपिया हो गया। गिविंग रीजन, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन। तो डिफेक्ट ऑफ विजन इज हाइपरमेट्रोपिया। रीजन देना है जस्ट ऑपोजिट टू द मायोपिया, या तो इलोंगेशन और प्रोलोंगेशन ऑफ द फोकल लेंथ हो गया है या श्रिंकेज ऑफ आई बॉल हो गया है। नेम द नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस। करेक्टिव लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, उसका नेचर क्या है? इट इज कन्वर्जिंग लेंस। बिल्कुल इजी पेपर है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ह्यूमन आई से एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। Least distance of distinct vision means the shortest distance at which our eye can see the objects distinctively, distinctly, साफ साफ देख सकता है, हाँ? Object, shortest distance जहाँ पे हमारी आई के सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट को हमारी आई क्लियरली देख सकती है, डिस्टिंक्टली देख सकती है। Give the value of near point and far point of normal human eye. नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई होना चाहिए और फार पॉइंट इज इनफिनिटी, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा। व्हाट इज मेंट बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इस बात को ध्यान रखना, diffused reflection of white light or the components of white light, by the tiny particles, very small particles of atmosphere. Atmosphere के tiny particles जब white light के components का diffused reflection कर देते हैं तो वो scatter हो जाती है, अलग अलग direction में चले जाते हैं। And the shortest wavelengths are scattered the most, longer wavelengths are scattered the least. Use this phenomena to explain why the clear eye appears blue and sun appears reddish at sunset. Sky appears blue because when
द रेज ऑफ लाइट कम व्हेन द सनलाइट एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर द ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट द शॉर्टर वेवलेंथ्स व्हिच आर द शेड्स ऑफ ब्लू गेट स्कैटर्ड द मोस्ट एंड रीच आवर आईज व्हाइल द लॉन्गर वेवलेंथ्स डू नॉट गेट बेंट लाइक दैट दे स्कैटर वेरी लेस सो दे डोंट बेंट दैट वे एंड दे डोंट रीच आवर आईज सो जो ज्यादा बेंट होगा वो आईज तक पहुंचेगा फ्रॉम द रे ऑफ लाइट कमिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट फिर सन अपीयर्स रेडिश एट सनसेट एट द टाइम ऑफ सनसेट द रेज कम हॉरिजॉन्टली ट्रेवल अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड स्मॉलर वेवलेंथ्स गेट स्कैटर्ड कम्प्लीटली इन सच अ वे दैट दे ऑल गेट स्कैटर्ड आउट फ्रॉम द पाथ एंड ओनली द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेड कलर्ड reaches us because it bends the least uski bending sabse kam hoti hai name the part of the eye that number 1 controls the amount of light entering into eye this is pupil control karta hai kitni light andar aayegi itni nahi aa payegi regulates the size of passage through which light enters matlab pupil ka size kon control karta hai That is iris. Iris is like a shutter, which controls the amount of light entering our eye. Why are we not able to see immediately after we enter a dark hall from a lighted part? When we enter into a dark hall, there is actually comparatively less light. So our pupil takes some time to get readjusted so that the मोर लाइट कैन एंटर इन टू इट तो उसमें लाइट अंदर आती है और इट मे टेक सम टाइम अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स ऑल्सो ये जो प्यूपिल का एडजस्टमेंट है ये वाली बात आपकी बुक में लिखी हुई है तो आपको ये फॉलो करनी है उसके अलावा रॉड्स एंड कोन्स आर द टू फोटो सेंसिटिव सेल्स कोन्स हमने कहा था कि ब्राइट लाइट में एक्टिवेटेड होती है डिम लाइट में एक्टिवेटेड नहीं रहती है व्हाइल रॉड्स आर एक्टिवेटेड इन डिम लाइट सो ब्राइट लाइट में रॉड्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड व्हेन वी एंटर इनटू अ डार्क हॉल द रॉड्स टेक सम टाइम टू गेट एक्टिवेटेड सो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम वी टेंड टू नॉट सी द थिंग्स दैट क्लियरली मेंशन द रोल ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इन द ह्यूमन आई हमारे लेंस का काम क्या है कि बाय चेंजिंग इट्स शेप इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन ईयर पॉइंट एंड फार पॉइंट उस ऑब्जेक्ट की इमेज को एग्जैक्टली रेटिना पर बनाना टू फॉर्म अ शार्प इमेज डिस्टिंक्ट इमेज एग्जैक्टली ऑन रेटिना बाय चेंजिंग इट्स कर्वेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन ईयर पॉइंट एंड फार पॉइंट हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस चेंज व्हेन वी शिफ्ट लुकिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट to a distant object when we are looking at the near point that is 25 cm in front of the eye the lens has the maximum curvature that means its power is the maximum and at this time its focal length is minimum that is 2.27 cm now when we shift our focus from near point to far point then the lens changes its shape Its curvature reduces and its focal length increases up to 2.5 cm or 2.3 cm, whatever the maximum distance between the lens and the retina. Uska focal length badhta hai. When we start looking, humko ye figure 2.27, 2.3 ya 2.5 se matlab nahi hai. Hum to ye bolenge ki jab object near point pe rakha hota hai, the focal length minimum hoti hai. And we start distant objects, then the focal length increases. ओके क्वेश्चन नंबर 9 देखें नेम एनी टू फिनोमेना इन नेचर व्हिच आर ऑब्जर्व्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखते हो अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार देखते हो अर्ली सनराइज जिसको हम एडवांस्ड सनराइज भी बोलते हैं या डिलेड सनसेट देखते हो ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है
व्हाई द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज सनसेट, ये बात हम पहले कर चुके कि उस समय रेड लाइट जो है वो स्कैटर सबसे कम होती है, बाकी सब स्कैटर आउट होकर के बिलो द होराइजन चले जाते हैं, दे डोंट रीच आवर आईज एंड ओनली रेड कलर कैन रीच आवर आईज बिकॉज इट हैज लॉन्ग वेवलेंथ। 5 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड 2017 में आया है। A student suffering from myopia is not able to see distinctly the objects placed beyond 5 meter. List 2 possible reasons due to which this defect of vision may have arisen with the help of ray diagram. Explain. Number 1. हम इसको अपनी sheet पे ले चलते हैं जिससे कि वहाँ पर हम इसे explain कर सकें। तो पहली बात तो प्लस टू पॉसिबल रीजंस ड्यू टू व्हिच द डिफेक्ट ऑफ विजन मे हैव अराइज़न, दिस इज मायोपिया। मायोपिया के रीजन हमने बताया कि एक तो शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ या फिर इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल, ये दो रीजन है। फिर रे डायग्राम्स बनाने, इट इज सेइंग एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट इज अनेबल, व्हाई द स्टूडेंट इज अनेबल टू see distinctly the object placed beyond 5 meters from his eyes. तो क्या प्रॉब्लम हो गया होगा उसको, उसका जो फार पॉइंट है वो क्लोज आ गया है। जो एक्चुअल फार पॉइंट होना चाहिए नेचुरल आई का, दैट इज इंफिनिटी, वहां से उसको आने वाली रेज जो है उसको इसका लेंस पहले ही प्रोजेक्ट कर देगा, पहले ही इंटरसेक्ट कर देगा इन रेज ऑफ रेड, यानी इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन रही है। इस पोजीशन पे रेटिना से पहले इमेज बन रही है, पॉइंट वाइज इमेज बन रही है, रेटिना से पहले बन रही है, रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट, जब इस पोजिशन में 5 मीटर इज द डिफेक्टिव फार पॉइंट, इफेक्टिव फार पॉइंट इज द 5 मीटर, 5 मीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है, दिस इज द प्रॉब्लम। ही कैन सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर प्लेस्ड अप टू 5 मीटर फ्रॉम द नियर पॉइंट, यानी 25 सेंटीमीटर और 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 500 सेंटीमीटर के बीच में जो कुछ भी रखा है उसको बिना स्पेक्स दिखेगा, लेकिन बियॉन्ड 500 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसको ब्लर दिखेगा। हाँ, दिस इज द डिफेक्ट। तो दिस इज वन डायग्राम विद विच वी हैव शोन द प्रॉब्लम, द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन एंड हाउ दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय द यूज ऑफ दिस लेंस। The type of corrective lens is concave lens. What does it do? Concave lens क्या करेगा? ये हमने lens लगा दिया है, हाँ? अब rays of light are coming parallel to each other. Parallel to principal axis. This is a diverging lens. ये rays of light को diverge करेगा in such a way that it strikes the lens at a point from where the image can be formed at retina. But what the image this is forming, the image formed by the concave lens is projected backwards. This is defective far point, that is 5 meter. Right? तो ये infinity पे रखे हुए object की point size image defective far point पर बना रहा है, जिसे through the lens हमारा lens देख पा रहा है। This is the correction. If in this case the numerical value of focal length of the corrective lens is 5 meter. Find the power of the lens as per new Cartesian sign convention. तो इन्होंने focal length corrective lens की दे दी, तो power निकालना, फिर तो easy है, P equal to 1 upon F in meter
दिस इज ऑलरेडी गिवन इन मीटर, तो 1/5 दैट इज 0.2 डायोप्टर एंड दिस इज माइनस, ये माइनस है, हाँ माइनस 5 है तो ये माइनस में आंसर आएगा, माइनस 0.2 डी यानी डायोप्टर। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, 2017 में आया था, इस बार फिर आ सकता है, ध्यान रखें। ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस पेपर, काफ़ी इजी पेपर है, स्ट्रेट बातें सारी पूछी गई हैं, तो प्रैक्टिस करो, ह्यूमन आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक यू।